आज अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो उसे फ्रॉनहोफर रेखा कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं दूसरा कि इन धनुष प्रकृति का उदाहरण है तो किसका, तो है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का। उसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रकाशिक तंतु संचार निम्नलिखित से किस घटना पर आधारित है, तो वो पूर्णांतिक परावर्तन पर आधारित है। उसके बाद चलते हैं चार नंबर क्वेश्चन पर, प्रकाश किस प्रकार के कंपनों से बनता है, तो वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के कंपनों से बनता है। उसके बाद चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझाया जा सकता, तो वह प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन पर, तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीयक तरंगिकाओं की धारणा के आविष्कारक हैं, तो वो है द्वितीयक तरंगिकाओं के आविष्कारक हैं वो है हाइगेन। उसके बाद चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है, तो आप पोलराइड द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, शुद्ध स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर से प्राप्त होता है। उसके बाद चलते हैं कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है, तो वो है प्रकीर्णन। उसके बाद चलते हैं दसवां नंबर क्वेश्चन, तो दसवां नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश किरणों के तीखे कोट को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विवर्तन। उसके बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, 11 नंबर क्वेश्चन है यदि एक पतली पारदर्शक सीट को यंग दू स्लिट के सामने रखा जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो वो कभी नहीं बदलेगी। उसके बाद चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर कि यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई भी दुगुनी हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, 13 नंबर क्वेश्चन एक ध्रुवन कोण की स्पर्श या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, यह नियम क्या कहलाती है, यह बूस्टर का नियम कहलाती है। उसके बाद चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, 14 नंबर क्वेश्चन एक प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण के निर्णायक कौन होते हैं, वो होते हैं आवृत्ति। उसके बाद चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर कि हाइगेंस के द्योतक तरंग के सिद्धांत का व्यवहार क्या होता है, तो होता है तरंग के ज्यामिति नए स्थान प्राप्त करने के लिए। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर कि साबुन का बुलबुला प्रकाश में रंगीन दिखता है किसका कारण है, तो वह प्रकाश का व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। उसके बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रॉनहोफर विवर्तन में प्रकाश के स्रोत रखे जाते हैं अवरोध से, वो अनंत दूरी पर रखे जाते हैं। उसके बाद चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर, 18 नंबर क्वेश्चन है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग को बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर विचलन जो है घटता है, विचलन घटता है और अपवर्तनांक भी घटता है, विचलन और अपवर्तनांक दोनों घटता है। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन का जो है मृग मरीचिका का कारण क्या है, तो मृग मरीचिका का कारण अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन है। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन कि एक ऐसी परिघटना जो यह प्रदर्शित करता है कि कोई तरंग अनुप्रस्थ है वह है तो क्या, वह है ध्रुवन, ध्रुवन की घटना ही जो साबित करती है कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ है।